हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज मैं थोड़ा बड़ा सा हो गया हूँ, तो अपनी बहन का आज रिजल्ट लेने जाऊंगा। अब मैं बड़ा हो गया, मिलता हूँ शानू से। शानू चलो एक ना पास होंगी। अब मैं इसके यहाँ शिकायत भी लगाऊंगा। आज मैंने जाना है उस स्कूल में जहाँ से मैं पढ़ा हूँ पहले, तो 10th तक जहाँ पढ़ा हूँ वहाँ जाना है। पहले मैं भाई से गाड़ी ले आऊँ, बाइक यहाँ खड़ी है, बाइक वहाँ खड़ी करके आऊँगा उसकी शॉप पे और वहाँ से गाड़ी लेके आऊँगा। तो गाइस, गाड़ी ले ली है भाई से, तो मैं ऐसे पेरेंट बन के जाऊँगा अब रिजल्ट लेने। आज शानू का रिजल्ट है। आज इसको फेल होने के लिए हम रिजल्ट लेने जा रहे हैं। फेल हो गया जी, फेल होगी ना पास। तो ये तो तैयार भी होगी, अब मेरे को तैयार भी होना पड़ेगा। मेरे तो भाई शानू तैयार है, मम्मी तैयार हो रही है, मैं भी तैयार हो लूं। गाइस आई एम रेडी टू गो। पूछता हूँ मम्मी से कितनी देर लगेगी। चलो चलो भाई, मैं नीचे। चले शानू फेल का रिजल्ट लेने, चले होना तो फेल लिया तूने। शानू रास्ता बता दो, तुम्हारे को अपने स्कूल का रास्ता नहीं पता। स्कूल तुम्हारा है ना। शानू जाने लगी, शानू ने स्कूल का रास्ता ही बदलवा दिया सारा। हम सीधे जाते कभी उल्टे होकर जाते हैं। रास्ता बता दो तो, ठीक है। ऐसा रिजल्ट लेने जाए तेरा जाम लगा पड़ा के देख। रास्ता मेरे को वैसे भी नहीं पता, तूने सारा रास्ता बदलवा दिया और जाम लग गया। अब बता बस, तूने वैसे फेल ही होना है, टाइम वेस्ट करवाना है हमारा। सारा जाम लगा पड़ा, दिखा आगे सारा जाम लगा पड़ा, आगे बस फंस गई, आगे वो ट्रक खड़े है वहाँ। होना तूने फेल ही है, टाइम वेस्ट करवा रही है हमारा और कुछ है नहीं। कैसे रास्ते पे ले आई तू? यहाँ से थोड़ी हमारे स्कूल का रास्ता यहीं से ही है। हमारे स्कूल का रास्ता था नहीं, हमारे स्कूल का रास्ता तो दूसरा था। नहीं अब चेंज हो गया, स्कूल तो हमारा ही आ गया। स्कूल तो ये आ गया हमारा स्कूल तो। जी है भाई मेरा स्कूल और शानू का स्कूल, इसमें अब ये फेल होएगी। मैंने तो हमेशा टॉप करा अपने स्कूल में। सबसे ज़्यादा मेमोरीज मेरी इसी स्कूल के साथ जुड़ी हैं। 11th 12th में तो कुछ खास था नहीं, 10th तक था मैं यहाँ पे। 10th तक जो मैंने यहाँ मजे लिया, सारी मेमोरीज मेरी 10th तक की सारी थी। शानू का रिजल्ट आ गया है। 85% जितना एक्सपेक्ट करा था उससे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। ये भाई मेरा तो स्कूल, अब बस यही है स्कूल तो मेरे लिए। तो जो दूसरा स्कूल था 11th 12th, उसमें मेरे को इतना मज़ा नहीं आया। उन स्कूल में मज़ा तो मेरे को बस यहीं आया था। तो चलो बस अब चलते हैं घर। शानू का रिजल्ट आ गया, जितना सोचा था उससे बहुत अच्छा। दुकान पे चले, दुकान पे जाके चलो ना, चल प्लीज चलो ना। तो गाइस रिजल्ट ले आए, वहाँ जाके अच्छा लगा, खूब अच्छा लगा अपना स्कूल देख के पुराना अभी। पर मार्क्स वाली बात, जितने सोचे नहीं थे उतने मार्क्स आ गए। देखता हूँ दादी, देखते हैं क्या कहेगी। बड़ी मम्मी बढ़िया नंबर ले आई, बढ़िया नंबर ले आई। अच्छा किसने पढ़ाया?
उसने क्या नाम मानसी ने मानसी ने पढ़ाया बहुत अच्छा पढ़ाया इसको, अच्छे नंबर आ गए। बड़ी मम्मी में विश्वास भी नहीं था इतने नंबर आ जाएंगे, इसका खुद ही विश्वास नहीं था। चलो गाइस अब फिर दोबारा गाड़ी भाई के पास खड़ी कराऊं और अपनी बाइक ले आऊं, शायद अभी मम्मी को छोड़ के आना है कहीं, मम्मी को लेके जाना है फिर अपना दिन खाली हमेशा की तरह। अब आया हूं अपने मामा के घर, यहाँ मेरा छोटा मामू मिलेगा। मामू वो मासी बुलाते हैं ना सारे मेरे वजह से, बाबू मामू मासी बुलाते, प्रिया मासी बुलाती है, कहते पा काल मासी मामू। इसको किसी का भी बच्चे के भी नाम नहीं याद होते। तेरी पीटीएम थी आज? पीटीएम थी, हे भगवान जी कहते हैं। तेरी शिकायत आई है? सबसे बड़ी बात कहते हैं मैडम, कहती है ये आएगा ना कॉपी लेके, मैडम मंजू मैडम करा दो। ऐसे करते हैं, यू स्टाइल होते हैं, कैसे करते हैं सुहांश बताइए, करके दिखाइए, करके दिखाओ, मंजू दिखाइए, ले करके दिखाओ, ये दिखा? कॉपी नहीं है, ये कॉपी नहीं है मैडम, वो काम, ओए मैडम वो काम कैसे बोलते, कैसे बताती है मैडम, ले ले पकड़ को मामू, सुहांश मामू दिखा कॉपी कर, दिखाइए कैसे देता है मैडम को, ये रही कॉपी, ये रही कैसे देता है मैडम को कॉपी, करके दिखा, करके दिखा, करके दिखा मेरे बच्चे, करके दिखा, करके दिखा, कैसे करता है मैडम काम, ऐसे तो कहते काम, तो काम मैंने राम को फोन किया, राम को शौक शौक हो गया, राम अच्छा बता कितने नंबर आए, 82 85 85 आया तेरे, आया तक 85 हां जी नहीं, 9th में तो तेरे लाइव है, 9th में रिजल्ट ले लिया था मैंने, तो फिर मैं क्या करूं, शानू का 35 आया है, और देख लो इस पानी में तुम राम है, इसके 82% आए। जलेबी तो खिलाई नहीं तुमने, चलो